मजा आ गया। ऑसम खान साहब मस्ट विजिट है, जब भी आओ चंडीगढ़ 15 सेक्टर खान साहब के राजमा चावल जरूर खा के जाना यार। नाम दिलशाद अली है, पर जैसे यहाँ पे लोग मिलते हैं दाढ़ी कुर्ता देख के लोग खान खान कहते थे, इस करके हमने अपनी फर्म का नाम ही खान रख दिया, खान राजमा चावल के नाम से रख दिया। पहले मेरा इलेक्ट्रिकल का काम था, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था मैं, और जब यहाँ पे काम सीखने के बाद आया था मैं, और हमने रेंट पे एक जगह रूम लिया था, तो इत्तेफाक से 97 की आसपास की बात है, जब हमने रूम लिया था तो हमारे तिलकराज जी हमारे साथ ही होते थे, एक रूम इनके पास होता था, एक हमारे पास होता था, एक हमारे दोस्त और थे सतपाल सिंह जी जो आजकल PGI में है, तो हम तीनों वहीं पर रहते थे, तो तब से ही हम साथ में हैं। मैं कुछ आज ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसे देख के और सुन के आप हैरान हो जाओगे, आज़ादी से पहले वाले दिनों में चले जाओगे, वैसे ही दिन याद करोगे जब कोई भी धर्म का आदमी था, कोई भी इंसान था, उनके लिए अहमियत होती थी सिर्फ तिरंगे की, उनके लिए अहमियत होती थी सिर्फ इंसानियत की। और ऐसी ही एक जोड़ी मेरे सामने बैठी है, चंडीगढ़ के खान साहब बात में बैठे हैं तिलक जी, और ये तिलक जी को अपना नींव पत्थर बोलते हैं कि जो जो भी आज इनका मुकाम है खान साहब का, जो करता धरता है वो हैं तिलक जी। थोड़े सी बातें करेंगे, 5-10 मिनट इनका टाइम लेंगे, क्योंकि खान साहब और तिलक जी बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता। ऑलरेडी मैंने आपको इनका स्टॉल दिखा दिया कि सुपर बिजी चलते हैं खान साहब। नाम तो मेरा दिलशाद अली है वैसे, पर जैसे यहाँ पे लोग मिलते हैं दाढ़ी कुर्ता देख के लोग खान खान कहते थे, इस करके हमने अपनी फर्म का नाम ही खान रख दिया, खान राजमा चावल के नाम से रख दिया। रही बात मिलने की, पहले सबको पता है कि मैं पहले मेरा इलेक्ट्रिकल का काम था, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था मैं, और जब यहाँ पे काम सीखने के बाद आया था मैं, और हमने रेंट पे एक जगह रूम लिया था, तो इत्तेफाक से 97 की आसपास की बात है, जब हमने रूम लिया था तो हमारे तिलकराज जी हमारे साथ ही होते थे, एक रूम इनके पास होता था, एक हमारे पास होता था, एक हमारे दोस्त और थे सतपाल सिंह जी जो आजकल PGI में हैं, तो हम तीनों वहीं पे रहते थे, तो तब से ही हम साथ में हैं और तब से ही अपना प्यार बना हुआ है। जब फिर मैंने ये काम शुरू किया, वैसे तो तिलकराज जी अपने सरकारी ऑफिसर हैं, पर जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे लगा थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी काम के, तो मैंने इनको सिर्फ हेल्प के लिए बुलाया था कि आप मेरी हेल्प के लिए आ जाओ, तो दोस्त होने के नाते इन्होंने कि बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे मेरे पास आ जाते हैं, और जब से मेरा हाथ बटा रहे हैं। अब चलते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से पूछते हैं कि मौलाना जी की दोस्ती कैसी रही अब तक, और अब तक कैसा प्रभाव रहा उन पे, और क्या संदेश देना चाहते हैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं। जैसा कि अब चल रहा है बहुत से देशों की धर्म के नाम पर बंट रहे हैं देश, धर्म के नाम पर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, उनके लिए क्या संदेश होगा एक, हम खान साहब से भी पूछेंगे। पहले चलते हैं पंडित जी के पास। मेरा नाम सर तिलकराज, पंडित जी के नाम से पुकारते हैं वैसे मुझे, तो मैं इनसे दिलशाद जी से खान साहब से कब 20-25 साल के जुड़ा हूँ, साथ में हम किट्ठे, उन्होंने बताया ये आपको पहले, तो किट्ठे रहते थे हम, तो बहुत प्यार से हमारा घर जैसा माहौल है आने जाने में, कोई जब इनके ईद वगैरह होती है तो हम इनके घर सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ जानते हैं, और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये एक जनता के लिए संदेश है, ठीक है जी, तो हम ये कहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे, हम सभी के लिए संदेश ये देते हैं। खान साहब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, एक यूथ देखो, मैंने पहले भी कहा था कि धर्म जो होता है जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो,
हर धर्म का काम जोड़ने का काम होता है, हर धर्म सीधे रास्ते का नाम होता है, हर धर्म आपको सीधा रास्ता ही दिखाता है। वो कोई गलत चलता है वो धर्म, उसको ये नहीं कह सकते धर्म की वजह से हुआ है। और रही बात, आज भी देश में कुछ लोग हैं जो भाईचारे को ख़राब करते हैं, वरना मैक्सिमम लोग आज भी आपस में भाईचारे से रहना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ के अवाम को पूछो तो हमें इतने दिन हो गए कोई हमारा नाम नहीं पूछता, किसी से कोई धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। जब से यहाँ से बड़े प्यार से सबका प्यार मिलता है, जब से हम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, जितने लोग आते हैं कभी को हमें कि हमारे धर्म से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना हमें किसी के धर्म से प्रॉब्लम हुई है। जितना भी हमने यहाँ पे बच्चे सभी आते हैं, प्यार से आते हैं, बड़े मज़े से आके यहाँ पे इंजॉय करते हैं, और कभी नहीं हमें लगा भाई कोई धर्म वाला कोई सीन होता है। तो जो कुछ लोग होते हैं जो उनको उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस दरअसल बात तो यही कि धर्म जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। तो आपने पंडित जी और खान साहब के विचार सुने, और आई बिलीव कि अब आपको श्योरिटी हो गई कि जो आदमी है वो विचारों से बड़ा होता है, ना कि उसका पैसा या उसकी हैसियत या उसकी अपॉइंटमेंट जिसे आप ओहदा कहते हो उससे बड़ा होता है। ये बात सिर्फ विचारों की है। पहले भी सब मिलकर रहते थे, एग्जांपल अब आपके बिल्कुल सामने है। सीखने वालों के लिए ये एक एग्जांपल, ये एक उदाहरण सेट कर दिया है शर्मा जी ने और खान साहब ने कि धर्म एक बैरियर नहीं है, धर्म जोड़ता ही है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। जुड़ के रहोगे, सफल रहोगे, खुश रहोगे। और अब चेक करते हैं इनके राजमा चावल, मैं भी खाना चाहता हूँ, खा के बताते हैं कि कैसे हैं। सो लेट्स ट्राई खान साहब के राजमा और कढ़ी चावल। नाइस, वेरी नाइस, घर वाला टेस्ट है, बिल्कुल घर वाला टेस्ट। लेकिन ये जो अरोमा है ना इसमें, ये खुशबू चावलों की बहुत बढ़िया, कड़ी भी बहुत अच्छी है। ये करो राजमा, नाइस। बहुत ही बढ़िया, इतना टेस्टी है ना, कोई बंदा फुल प्लेट खा लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज़ इट फ्रॉम चंडीगढ़। ये थे खान साहब। अब जब भी चंडीगढ़ आओ तो 15 सेक्टर में खान साहब यहाँ पे कढ़ी चावल या राजमा चावल, चिकन बिरयानी वगैरह सब कुछ मिलती है। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। भाई ये तो खाली मैंने हाफ प्लेट थी, मज़ा आ गया, ऑसम। खान साहब मस्ट विज़िट है, जब भी आओ चंडीगढ़ 15 सेक्टर, खान साहब के राजमा चावल ज़रूर खा के जाना यार, आई रिकमेंड।